दोस्तों आप लोग एसगार्ड के राजकुमार थॉर यानी कि द गॉड ऑफ थंडर को तो जानते ही होंगे। इसका असली श्रेय और किसी को नहीं बल्कि मार्वल मूवीज को जाता है। उन्होंने थॉर को वर्ल्ड का सबसे फेमस सुपर हीरो बना दिया है। सिर्फ इंडिया में ही थॉर के करोड़ों फैंस हैं और तो और सिर्फ कुछ ही दिनों में थॉर की एक न्यू मूवी भी आ रही है जिसकी टिकट्स गर्मियों में लगे आइसक्रीम के स्टॉल से भी ज्यादा तेजी से खत्म हो रहे हैं। अब आप में से बहुत से लोग जो कि मेरे ही तरह मार्वल के फैन हो उन्हें ये पता होगा कि पिछले 10 से 15 सालों में जो भी मार्वल मूवीज बन रही है उन्हें मार्वल कॉमिक्स से ही प्रेरित होकर बनाया जा रहा है। लेकिन यार इन मार्वल कॉमिक्स को भी राइटर्स ने कहीं ना कहीं से तो प्रेरित होकर लिखा ही है कि नहीं। थॉर को भी नॉर्स माइथोलॉजी से ही प्रेरित होकर बनाया गया है। अब यार इन राइटर्स की एक बहुत ही खास बात आपको पता होनी चाहिए। अपने रीडर्स यानी कि हम जैसे लोगों की खुशी के लिए ये राइटर्स असली स्टोरीज को बहुत ही सारी तरीकों से बदल देते हैं और हमारे सामने बिल्कुल ही नई तरह की कहानी प्रकट कर देते हैं। अब बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि असल में थॉर किस प्रकार का व्यक्ति था या उसने क्या क्या किया था या फिर उसका ओरिजिन क्या है। अब अगर आप लोग भी ये नहीं जानते तो कोई बात नहीं यार, आज मैं आपको नॉर्स माइथोलॉजी के असली थॉर के बारे में बताने वाला हूँ और शायद आप उसके बहुत सी बातें जानकर भौचक्के रह जाएंगे। तो बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइज, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं थॉर द गॉड ऑफ थंडर के बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि थॉर जर्मेनिक रिलीजन्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान थे। नॉर्स लोगों के लिए वो देवताओं में देवता थे। हालांकि यार ये बात भी सच है कि मार्वल मूवीज का थॉर नॉर्स के थॉर से बहुत से चरित्र को मैच करता है। जैसे कि वो ओडिन के पुत्र थे, उनके पास भी म्योलनीर नाम का हथौड़ा था और वो बेहद ही ताकतवर योद्धा थे। लेकिन फिर भी नॉर्स माइथोलॉजी का थॉर बहुत सारे तरीकों से मार्वल थॉर से अलग है। दोस्तों आपने कुछ साल पहले ही रिलीज हुई मूवी थॉर रैग्नारॉक के बारे में तो सुना होगा या फिर देखा भी होगा। अब असल के नॉर्स माइथोलॉजी का जो रैग्नारॉक था उसमें सभी देवताओं की मौत हो गई थी जिसमें थॉर भी शामिल है। लेकिन यार डरिए मत, इसके बारे में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तो खुद थॉर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों थॉर शब्द का मतलब ही थंडर यानी कि बिजली होता है और वो ओडिन के बेटे थे। ओडिन सर्वोच्च स्तर के देवता थे जिनसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं था। फिर भी थॉर को सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता था और इसमें कोई शक नहीं है कि वो नॉर्स माइथोलॉजी के शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। अब आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि जो बल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है वो बुद्धि में उतना ही कमजोर होता है। अब ये बात सच है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन थॉर की हालत कुछ ऐसी ही थी। दरअसल आपने थॉर की मूवीज में भी देखा होगा कि थॉर को बहुत बार बेवकूफ या फिर मूर्ख के रूप में भी दिखाया गया है। नॉर्स के थॉर भी कुछ ऐसे ही थे, वो कई बार ठगी में फंस जाते थे और शायद आपने सही अंदाजा लगाया, उन्हें ज्यादातर बार उनके खुद के भाई लोकी ही ठगते थे। आपने थॉर को ज्यादातर अपने हथौड़े के साथ देखा होगा, लेकिन असली थॉर इसके अलावा भी बहुत सी चीजें अपने पास रखा करते थे। उनके पास दो गोट्स यानी कि दो भेड़े थी जो उनके रथ को यहाँ से वहां लेकर जाती थी। ये जादुई भेड़े थी जिन्हें थॉर हर दिन मार देते थे और उनका मीट खाते थे, लेकिन अगले ही दिन अपने हथौड़े की मदद से वो उन्हें फिर से जिंदा कर देते थे। अब अगर आपने थॉर की नई मूवी का ट्रेलर देखा है तो आपने इन बकरियों को जरूर देखा होगा। थॉर के पास एक जादुई बेल्ट भी है जो उनकी टक्कर को दो गुनी बना देती है। इसके अलावा थॉर के पास एक विशेष दस्ताने भी है जो लोहे के बने हैं। अब इस दस्ताने की मदद से थॉर अपने हथौड़े को अच्छे से पकड़ पाते थे। अब इन सभी को छोड़ दे तो थॉर का हथौड़ा म्योलनियर उसका सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। म्योलनियर का मतलब है आकाश से गिरने वाली बिजली। म्योलनियर नॉर्स माइथोलॉजी का सबसे ताकतवर हथियार था और इसे थॉर का सिंबल भी कहा जा सकता है। कहा जाता है कि भले ही थॉर अपने हथौड़े को कितनी भी बार जोर से किसी चीज के ऊपर मारे वो हथौड़ा टूटेगा नहीं। अगर थॉर ने अपने हथौड़े को कहीं फेंका तो हथौड़ा अपना निशाना नहीं चूकेगा और फिर से तुरंत थॉर के हाथों में वापस आ जाएगा। लेकिन नॉर्स माइथोलॉजी के मुताबिक थॉर का हथौड़ा हमेशा से ही उनके पास नहीं था। दरअसल एक बार अचानक ही थॉर का हथौड़ा कहीं गायब हो गया था। थॉर अपने भाई लोकी के पास गए जो हमेशा ही ऐसी शरारत किया करते थे, लेकिन लोकी ने भी ना में अपना सर हिलाया। अब दोनों भाई अपनी माँ फ्रेया के पास गए जो कि नॉर्स माइथोलॉजी में प्यार, खूबसूरती, जादू, जंग और मृत्यु की देवी थी। फ्रेया ने दोनों भाइयों की मदद करने के लिए उन्हें एक जादुई चोगा दिया जिसे हवा में उड़ा जा सकता था। अब उस चोगे की मदद से लोकी दूर के देश जोतेनहाइम में पहुंच गए और एक जायंट थ्राइमीर से मिला
जो वहीं का राजा था। थ्राइमीर ने कहा कि उसी ने थॉर के जादुई हथौड़े को छुपा कर रखा है और हथौड़ा उन्हें तभी मिलेगा जब थॉर और लोकी अपनी खूबसूरत माँ फ्रेया को उनकी पत्नी बनाएंगे। अब थॉर और लोकी फिर से अपनी माँ के पास पहुंच गए और उनसे आग्रह किया कि वो दुल्हन के कपड़े पहनकर उनके साथ चले, लेकिन ये सुनकर फ्रेया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और उन्हें साफ मना कर दिया। अब यहाँ कोई हाल नहीं दिखाई देने पर थॉर के भाई लोकी ने सुझाव दिया कि क्यों ना खुद थॉर दुल्हन के कपड़े पहनकर उस दुष्ट राजा के पास जाए। अब थॉर लोकी की बात मान जाता है और थॉर दुल्हन के कपड़े पहनकर फ्रेया बन जाता है और खुद लोकी मेड के कपड़े पहनकर उनकी सहायक बन जाती है और चल पड़ते हैं दोनों भाई जुतनहाइम की तरफ। जब वहां के राजा थ्राइमीर अपने होने वाली दुल्हन को देखते हैं तो वो बेहद ही खुश हो जाते हैं और उनका स्वागत एक बहुत बड़े दावत से करते हैं। अब इस दावत में दुल्हन के रूप में बैठे थॉर जोरों शोरों से खाना खाते हैं जिससे सभी को उन पर शक हो जाता है, लेकिन लोकी तुरंत कहते हैं कि थ्राइमीर से मिलने की खुशी में फ्रेया ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है और थ्राइमीर लोकी की यह बात मान जाता है। अब थ्राइमीर अपनी दुल्हन का चेहरा देखने के लिए पास आता है और थॉर के सर के ऊपर से घूंघट थोड़ा सा उठाता है, लेकिन तभी उसे दिखाई देता है लाल लाल खतरनाक आंखें। डर के मारे थ्राइमीर पीछे हट जाता है। तब लोकी तुरंत कहता है कि आपसे मिलने की खुशी में फ्रेया बहुत दिनों से सोई ही नहीं है और इसी तरह किंग थ्राइमीर एक बार फिर से उल्लू बन जाते हैं। अब राजा थ्राइमीर अपना वादा पूरा करने के लिए फ्रेया के सामने म्योलनियर हथौड़ा ले आते हैं जिसे देखकर थॉर की आंखें तुरंत चमक जाती है। थॉर तुरंत अपनी जगह से उठता है और म्योलनियर को अपने हाथ में लेकर वहां मौजूद किंग थ्राइमीर और बाकी सभी लोगों को मार डालता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर थॉर इतना ज्यादा ताकतवर था तो आखिर रैग्नारोक में उसे मारा किसने? वेल दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है रैग्नारोक। पुरानी नॉर्स की भाषा में रैग्नारोक का मतलब है भगवान का भविष्य, खुद मानव जाति का भविष्य। अगर कहानियों का यकीन करें तो रैग्नारोक तबाही का नाम है जिसमें सभी कॉस्मोस पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। रैग्नारोक की आने की भविष्यवाणी बहुत ही पहले कर दी गई थी, लेकिन ये कब होगा ये किसी को भी नहीं पता था। अब आप समझ ही गए होंगे कि रैग्नारोक की कहानी बेहद ही अंत में आती है। भविष्यवाणी के मुताबिक एक बार बहुत ही तेज ठंडी पड़ेगी, ऐसी ठंडी जिसे किसी ने भी ना देखी होगी। ऐसी हवाएं चलने लगेगी जिससे हर तरफ से बर्फ गिरने लगेगी। सूरज अपनी गर्मी को धरती तक नहीं पहुंचा पाएगा और यह ठंडी 3 नॉर्मल ठंडी के जितनी बड़ी होगी, जिसमें समर का सीजन आएगा ही नहीं। मानव जाति खाने और पानी के लिए इतना तरस जाएंगे कि उनके अंदर की नैतिकता खत्म हो जाएगी। सभी एक दूसरे से लड़ने लगेंगे और कभी कभार तो अपने खुद के परिवार को ही मार देंगे। अब इन सभी चीजों की वजह से एक चेन टूट जाएगी और फेनरीर नाम का विशालकाय वुल्फ और दानव आजाद हो जाएगा और इसके साथ ही योरमोंगांड नाम के एक विशालकाय सांप भी आजाद हो जाएगा जो हमेशा से समुद्र के नीचे रहता आया है। अब मैं आपको बता दूं कि इस विशालकाय सांप को नए गॉड ऑफ वॉर के गेम में भी दिखाया गया था जो इस सदी के सबसे बेहतरीन गेम्स में से एक है। कहा जाता है कि फेनरीर नाम का यह दानव इतना विशाल था कि मुंह खोलने पर उसका एक हिस्सा आकाश को छू जाता था और एक हिस्सा जमीन को। वो इतनी तेजी से भागता था कि उसके सामने आने वाली हर एक चीज तबाह हो जाती थी। वहीं योरमोंगांड नाम का विशालकाय सांप पूरी दुनिया में इतना सारा जहर छोड़ देगा कि हवा से लेकर पानी तक हर चीज विषैली हो जाएगी। अब इन सभी के बीच होगा लोकी जो कि सभी भगवानों को धोखा देकर अपनी खुद के आइस जायंट्स की फौज लेकर एसगार्ड पर हमला कर देंगे। अब सभी भगवान अपने आप को और मानव जाति को बचाने के लिए युद्ध करने उतरेंगे। ओडिन फेनरीर के साथ लड़ेगा जिसमें ओडिन की बुरी तरह से मौत हो जाएगी और ये देखकर ओडिन का एक बेटा विदार गुस्से में फेनरीर के ऊपर हमला करेगा और फेनरीर को खत्म कर देगा। कहा जाता है कि विदार उस दानव के मुंह खोल कर रखेगा और सीधा उसके गले में हमला करके उसे खत्म कर देगा। हिमडाल और लोकी एक दूसरे को लड़ते लड़ते खत्म कर देंगे और वहीं अब थॉर की बात करें तो थॉर और किसी से नहीं बल्कि खुद उस विशालकाय सांप से लड़ेगा। कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में महायुद्ध हुआ था, ऐसा युद्ध जिसे कहीं भी नहीं देखा गया हो। अंत में थॉर उस सांप को मार देता है, लेकिन लड़ते वक्त थॉर उस दानव के विष में पूरी तरह से ढक जाता है। कहा जाता है कि सांप का वध करने के बाद थॉर केवल 9 कदम चलता है और जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है।
तो दोस्तों ये कहानी एक तरह से ये बताने का तरीका है कि जिस तरह शक्तिशाली भगवान मरते हैं उसी तरह हर इंसान को भी एक न एक दिन मौत को गले लगाना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने थॉर के असल इतिहास के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे मार्वल का थॉर असल माइथोलॉजी के थॉर से कितना ज़्यादा मिलता जुलता है और किस तरह से उसे कितने खास तरीके से पेश किया गया है। तो दोस्तों मैं तो खुद थॉर के मूवी को देखने वाला हूँ, आप मुझे बताओ कि क्या आप भी मेरी तरह थॉर के फैन हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो नीचे कमेंट करके अपने अपने टॉपिक्स जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।